नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी टीवी निष्पक्ष बात। मैं हूं सुनील यादव। यदि आपने अभी तक एनबी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। बुजुर्गों के सेवा केंद्र डे केयर सेंटर पर लटका रहा ताला, मायूस होकर वापस अपने घर लौटे बुजुर्ग। जी हाँ, प्रतिदिन की तरह गुरुवार सुबह जब बुजुर्ग अपने घर से निकलकर मनोरंजन और समय गुजारने के लिए नगरी क्षेत्र में खोले गए डे केयर सेंटर पर पहुंचे, तब उन्हें डे केयर सेंटर में ताला लगा मिला, जिसे देखकर सभी बुजुर्ग हैरान रह गए, क्योंकि वहां ना तो डे केयर सेंटर का बोर्ड था, ना ही दरवाजे खुले हुए थे। डे केयर सेंटर के नाम पर यदि कुछ था तो वो केवल एक ताला, जो कि डे केयर सेंटर के दरवाजे पर लगा हुआ था। जिसके बाद बुजुर्ग बाहर ही बैठ गए और सभी ने पैसे एकत्रित कर नाश्ते का इंतजाम किया और कुछ देर बाद मायूस होकर अपने घर लौट गए। वहीं इस पूरे मामले में जब सीएमओ यशवंत राठौर से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि नगरपालिका की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि डे केयर का संचालन कर सके, जिसके चलते परिषद में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि डे केयर का संचालन एक निजी संस्था के द्वारा किया जाएगा, जिससे नगरपालिका पर अतिरिक्त भार नहीं आएगा। गुरुवार की सुबह संस्था के लोग शायद नहीं पहुंच पाए होंगे, जिसके चलते डे केयर सेंटर पर ताला लगा होगा। आगे से संस्था के द्वारा प्रतिदिन डे केयर का संचालन किया जाएगा। आपको बता दें कि नगरपालिका में आर्थिक तंगी के ये हाल है कि कुछ दिनों पहले बिजली विभाग ने बिजली कनेक्शन भी काट दिया था, जो कि लगभग 7 दिन बाद जोड़ा गया था। वहीं अब डे केयर सेंटर का बंद होना ये साफ इंगित करता है कि नगरपालिका की स्थिति कितनी खराब है। यहाँ पे आते थे, यहाँ बैठते थे सब लोग मिलकर, तो आपस में अपने विचार प्रकट करते थे एक दूसरे से। आज अचानक बंद हो गया है, इसकी कोई जानकारी तो आपको सूचना कौन ने दी? इसके पूर्व कोई सूचना दी नहीं गई थी। आज यहाँ पूरा शटर बंद है और यहाँ जो काम करने वाला बालक कैलाश, उसने सबको बताया कि ऊपर से ऑर्डर हो गया है, इसलिए बंद कर दिया। मैं आपका कैलाश राठौर। आप क्या थे यहाँ पर? मैं यहाँ पे डेकर का इंचार्ज हूँ। तो आप डेकर बंद क्यों हो गया है? ऊपर से फोन आया था, हमने बंद कर दिया सर। क्या कहा था? फोन आया था तो ये डेकर बंद कर दो। कोई कारण बताया था? नहीं बताया। परिषद की बैठक हुई थी 6 दिसंबर को, तो ये निर्णय लिया गया कि निकाय की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, तो डे केयर, दोनों डे केयर और वृद्धाश्रम के संचालन के लिए कोई एनजीओ नियुक्त किया जाए। तो परिषद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया। इटारसी का एनजीओ है, तो उसको कल बोला था कि कल से, आज से टेक ओवर कर ले, तो वो आज अपना सामान शिफ्ट करने में थोड़ा सा, जब भी घर पर चेंज करते हैं तो थोड़ा सा ऐसी दिक्कत होती है, तो आज कुछ मिस कन्फ्यूजन की वजह से वो डे केयर बन रहा। उसके लिए मैं जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनकी क्षमा प्रार्थी हूँ। कल से वो फिर से यथावत स्टार्ट हो जाएगा डे केयर।